जड़े ओडिया राजनैतिक नेता वैमानिक शिल्पपति भाव विजु पट्टनायक परिचित 1990 मार्च 5 रु 1995 मसीहा मार्च 15 जाए 1961 जून 23 रु 1963 मसीहा अक्टोबर 2 जाए से दुई दुई थर ओडिशार मुख्यमंत्री भाव में कार्य करते पिता लक्ष्मीनारायण पट्टनायक और माता आशालता पट्टनायक 1916 मसीहा आज दिन में से कटक तुलसीपुर जन्मग्रहण करते से रेभेन्सा कलेजिएट स्कूल कटक ठारे स्कूल शिक्षा सरला रेभेन्सा कलेज विज्ञान पढ़ते पाठपढ़ा जीवन रे से खेल प्रति भारी इच्छुक थे विश्वविद्यालय फुटबल और दलर कैप्टेन रही आते से दिल्ली एरोनॉटिक्स ट्रेनिंग शिक्षानुष्ठान विमान उड़ाण शिक्षा जोग देते दिल्ली विमान उड़ाण शिक्षा समाप्त कर से इंडियन एयरवेज पायलट भाव में चाकरी करते एक घड़ीसंधि मुहूर्त में से निजे विमान चल इंडोनेशिया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को डच मानक उद्धार करते दुस्साहसिक कार्यपाई इंडोनेशिया सर्वोच्च सम्मान भूमिपुत्र सम्मान में सम्मानित कर सम्मान सह पुरस्कार स्वरूप मिली कोटि कोटि टंका से ही सब टंका से इंडोनेशिया जनसाधारण उत्सर्ग कर दे विजु पट्टनायक चलाउथिबा डाकोटा विमान 20-24 फेब्रुआरी 2019 मसीहार अनुष्ठित एयर शो रे प्रदर्शित होता विजु बाबू राजनैतिक दृष्टिकोण मुख्यतः समाजवाद एवं संघीय राष्ट्र शासन उपर दृढ़ीभूत था से दृढ़ भाव में सबु राज्य वकिलाती करते कहते सबु राज्य मान दरकार अनुसार समान साधन दि जा उचित नेहरू स्नेहरे भारत दुस्साहसिक व्यक्ति कही संसद समय नेहरू विजु बाबू उद्देश्य कही विजु पट्टनायक पाखरे साहस शक्ति और काम कर आग्रह अच्छी तेणु ओडिशा को अधिक साहय कर कौन प्रमाण राजनीति क्षेत्र में विजु पट्टनायक राजनैतिक जीवन 1946 आरंभ कर ओडिशा विधानसभा को उत्तर कटक मंडली निर्वाचित होते 1952 और 1957 से यथाक्रमे जगन्नाथ प्रसाद और सोरडार जीति 1961 से राज्य कांग्रेस सभापतित्व ग्रहण करते नेतृत्व में कांग्रेस दल 140 रु 82 आसन विजय लाभ कर 14 निर्वाचित विजु पट्टनायक प्रथम थर निमंत ओडिशार मुख्यमंत्री दायित्व ग्रहण कर 2 अक्टोबर 1963 जाए पदवी रही है कांग्रेस पार्टी को पुणी सतेज करने से कामराज योजन पदवीर इस्तफा देते विजु बाबू और इंदिरा गांधी मध्य घनिष्ठ संपर्क था 1969 राष्ट्रपति निर्वाचन बेले भितर मनोमालिन्य हो 1971 होता राज्यसभा निर्वाचन निमन्ते कांग्रेस टिकट न पाइबारु से कांग्रेस पार्टी छाड़ी उत्कल कांग्रेस नाम एक नूतन दल गढ़ते 1971 विधानसभा मतदान में पार्टी जुक्तियुक्त भाव में भल कर विजु बाबू तापरे पुराणा सांग जयप्रकाश नारायण सहित संपर्क पुनः स्थापन करते 1974 जेपी मुवमेंट जोग देते 1975 में जितेबाद जरूरीकालीन स्थिति घोषणा है विजु पट्टनायक प्रथम व्यक्ति थे जी अन्य विरोधी नेता गिरफ होते 1977 से मुकुले और लोकसभा प्रार्थी हिसाब से केन्द्रापड़ निर्वाचित होते 1979 बेले से मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह सरकार अधीन इस्पात और खणि मंत्री रही थे 1980 विजु बाबू लोकसभा को निर्वाचित होते पुणी थे 1996 लोकसभा को निर्वाचित होते 1990 राज्य विधानसभा निर्वाचन में जनता दल जीतला एवं आउ थरे से ओडिशार मुख्यमंत्री भाव में 1995 पर्यंत कार्यनिर्वाह करते अधिक अपडेट पाई आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलु निर्भय सूचना निर्भय सह सब आपण साथी।